प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद कर रहा हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे और एकदम अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो लास्ट वाले लेक्चर के अंदर बहुत गजब तरीके से बच्चे हम लोग फोड़ा हुआ है कंसेप्ट को। क्या बच्चा फोड़ा हुआ है कंसेप्ट को, मैंने बोला कि फोड़े हैं कंसेप्ट को, बहुत गजब तरीके से पढ़े हुए कि कंसेप्ट कैसे जाने वाला, कैसे हमारा ये चैप्टर है इसका फ्लो चलने वाला है, इसके बारे में हम जो पहले लेक्चर में सीखे हुए हैं। अब बच्चे हम जो है अटैक करने की बारी आ गई सीधे सीधे 3 नंबर के क्वेश्चन में, क्योंकि हमको पता है इस चैप्टर से, कौन से चैप्टर भैया, चैप्टर नंबर 6 से हमको 3 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 3 अंक के बच्चे लघु उत्तरी क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। सारे बच्चों को क्लियर है तो हम उसी बेसिस में हमारी तैयारी करने वाले हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ने वाले बेटा हम लोग जो अंकों का साधारण की जो विधियां होने वाली इसको यहां पे आज क्लियर करेंगे। समझ में आया? चलिए बच्चे फटाफट पढ़ते हैं। अब देखो हमारा जो हेडिंग है बच्चा, अयस्कों का सांद्रण। क्या प्यारे बच्चों? अयस्कों का सांद्रण हम यहां पे करने वाले हैं, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर के बारे में बात करेंगे। और इसके अंदर मैंने आपको जो है कल ही बता दिया था कि भाई इसके अंदर हमको 4 मेथड पढ़ने हैं, 4 मेथड पढ़ने हैं। तो हमको सिर्फ 2 ही दिख रहे हैं प्यारे बच्चे, हमको सिर्फ 2 ही दिख रहे हैं। सर कोई दिक्कत है? 2 ही दिख रहे? तो बिल्कुल बच्चे 2 तो दिख रहे हैं। अब 2 हमारा कुछ, हमारा जो है कुछ रहस्य है, उस रहस्य के बारे में पर्दा ये खत्म करने के बाद खोलेंगे। समझ में आया? ठीक है, तो इसके 2 के बारे में पहले पढ़ लेते हैं भाई। क्या क्या होने वाला? पहला जो मेथड होने वाला है प्यारे बच्चे वो क्या होने वाला? हमारा गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। क्या बच्चा? गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। नाम याद रखना, ये एग्जाम्स के अंदर आए हुए। मैं आपको ऐसे कंसेप्ट कभी नहीं कराऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो, सब ऐसे कंसेप्ट कराने वाला हूं जो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चे। समझ में आया? ठीक है, तो बिल्कुल बच्चे हम लोग मजे करते हुए पढ़ेंगे, ध्यान से देखना, ठीक है। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। और दूसरा जो हमारा प्यारा सा क्या होने वाला है बच्चे, जो टॉपिक होने वाला है वो हमारा क्या होगा? चुंबकीय पृथक्करण विधि। सारे बच्चे जो एकदम समझ गए होंगे, सारे बच्चे क्या है मेरे होशियार है, बहुत ज्यादा जो है होशियार है, तो आप लोग समझ जाइए बच्चे। गुरुत्वीय पृथक्करण मतलब गुरुत्वाकर्षण से अलग होने वाला है, पृथक्करण करेंगे उसको अपन बोलेंगे बच्चा गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। और जहां पे चुंबक के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, अलग करेंगे, उसको बोलेंगे चुंबकीय पृथक्करण विधि। इसका फंडामेंटल जान लेते हैं पहले। देखो बच्चा, इसका जो सिद्धांत, इसका जो प्रिंसिपल होता है ना बच्चे, वो क्या करता है? घनत्व में अंतर पर क्या करता है? आधारित होता है, निर्भर करता है। घनत्व में अंतर क्या होता है सर? घनत्व का मतलब मैंने बताया हुआ है, घनत्व का मतलब होता है भीड़, ठीक है। इस धातु के मामले में घनत्व क्या होगा? जिसका वेट, जिसका भार ज्यादा होगा, ठीक है, जिसका भार ज्यादा होगा और जिसका भार कम हो सकता है, उसी को हम लोग घनत्व के फंडे में जो है एप्लीकेबल मान पाएंगे। क्लियर है सारे बच्चों को? ठीक है, अब यहां पे बात हुई घनत्व के अंतर पर तो निर्भर करेगी, लेकिन जो हमारा अयस्क होगा, जो ओर होगा, ये किस पे अप्लाई होने वाला है बेटा? भारी जो है धातुओं पर अप्लाई होने वाला है। जैसे धातु जिनका वजन जो है ज्यादा होगा, ऐसा ज्यादा नहीं भाई, एकदम वजन वाला ज्यादा, ठीक है, तो ऐसा ज्यादा होगा उस पे हमें जो है ये अप्लाई करेंगे, ये वाला मेथड गुरुत्वीय पृथक्करण मेथड। इसी को बच्चे क्या बोलते हैं? जल के द्वारा धोने वाला मेथड प्रक्रम, या फिर इसको इंग्लिश में बोलेंगे बच्चा हम लोग हाइड्रोलिक सेपरेशन। जल के द्वारा अलग करने की जो अशुद्धि को दूर करने वाली विधि को हम लोग बोलेंगे हाइड्रोलिक सेपरेशन। इंग्लिश में बोले बच्चे इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल। गुरुत्वीय मतलब ग्रेविटेशनल प्रक्रम प्रोसेस, ग्रेविटेशनल प्रोसेस। क्लियर है सारे बच्चों को? ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अब इसमें हम अगर जो है एग्जांपल्स की बात करूं प्यारे बच्चे, तो क्या होने वाला है? SN, FE, PB, AU, PT, ऐसे जो धातु हैं जो भारी होंगे यहां पे यूज किए जाएंगे। और चुंबकीय पृथक्करण मतलब चुंबकीय क्षेत्र पर आधारित होंगे, चुंबकीय जो बेटे चुंबकीय गुणों पर आधारित है। क्लियर है सारे बच्चों को? अगर इसमें इंप्यूरिटी की मैं बात करूं तो इंप्यूरिटी क्या होने वाले हैं? इंप्यूरिटी पर ही फोकस करने वाला है हम इसमें बात करूं बच्चे। तो चुंबकीय पृथक्करण विधि के अंदर क्या होता है कि आपको जो है बच्चा, ठीक है, चलो भाई यहां पर हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे इसको, ठीक है, यहां पर अपन डिस्क्लोज नहीं करते, मजा आएगा, ठीक है, डिस्क्लोज नहीं करेंगे। तो देखो भाई सबसे पहले इसकी मैं बात कर लेता हूं, सबसे पहले इसकी बात कर लेता हूं, यहां पे क्या फंडे होते हैं, यहां पे क्या नियम लगता है, ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, ठीक है। देखो ये हमारा पूरा क्या है, हमारा जो है पहले मेथड का डायग्राम पूरे आपको गजब तरीके से दिख रहा होगा, ठीक है, समझ में आया। अब ये प्रोसेस को अपन जब देखेंगे तो हमको कुछ समझ नहीं आएगा सर, हमको तो कुछ समझ नहीं आ रहा, समझा दो सर। बिल्कुल बच्चे समझा देने वाले हैं। क्या बच्चे इसके अंदर क्या होगा? ये इसको अपन बोलेंगे हाइड्रोलिक वॉशिंग बच्चा। क्या बोलेंगे? हाइड्रोलिक वॉशिंग, जल के द्वारा धोना भी बोल सकते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी अभी बताया हुआ है। अब बच्चे आपको जो है इसको समझने से पहले मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, एक एग्जाम्पल देता हूं, क्या करूंगा, एक एग्जाम्पल दूंगा, वो एग्जाम्पल आप लोग एकदम गजब तरीके से इमेजिन कर लोगे ना तो आपको मजा आ जाएगा उसको समझने में, ठीक है, मजा आ जाएगा समझने में। देखो जब हम क्या करते हैं बच्चे, हम लोगों ने हम क्या किए हुए हैं बचपन में, जब बहुत है नदी नालों में नहाए हुए हैं, ठीक है, नहाए हुए हैं, लेकिन जब नदी जो है जब सूखी रहती है, जब पानी नहीं चलता उस पर, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है बच्चे, ठीक है, जब नदी में क्या रहती है,
पत्थर भी रहते हैं, कंकड़ भी रहते हैं, लकड़ी के बुरादे भी रहते हैं, लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं, लकड़ी के बड़े टुकड़े भी रहते हैं, ठीक है, लकड़ी के बड़े टुकड़े भी रहते हैं। तो ऐसी चीजें वहां पर नंदी में रहती है। जब मैं क्या करूंगा, नंदी को ठीक है खोल दूंगा, उसके जो गेट होती है उसको खोलूंगा, ठीक है, उसको गेट को खोलूंगा। जैसे कि अब वहां पे क्या हो गया, ठीक है, अब अगर मैं आपको जो एग्जांपल दे दूं तो क्या हो गया, जो डैम है हमारा, डैम, ठीक है, जब डैम को गेट को खोलूंगा तो उसके सामने जो पत्थर होंगे क्या वो बह जाएंगे, अगर बहुत ज्यादा भारी हो तो मैं बोलूं तो? अगर पत्थर नहीं बहेंगे क्योंकि उसका वेट, क्योंकि उसका भार ज्यादा है, क्योंकि उसका भार जो है ज्यादा है, क्लियर में समझ आया, इसका भार जो है ज्यादा है। और लकड़ी के जो बुरादे, लकड़ी के जो टुकड़े हैं वो क्या हो जाएंगे, बह जाएंगे, क्या हो जाएंगे बच्चे, बह जाएंगे, तो वो क्या होंगे, वो हल्के हैं, लोहे से जो है हल्के होंगे, सॉरी पत्थर से क्या होंगे, हल्के होंगे, इसलिए वो बह जाएंगे। तो यही कंसेप्ट पूरा यहाँ पे फ्लो होने वाला है, समझ में आने वाला है, ध्यान से देखते समझने बच्चा, ठीक है। अब एक फंडा यहाँ पे याद रखना कि जब भी हम यहाँ पे ओर की डालने की बात करूंगा बेटा, जब भी मैं किसी भी प्रोसेस के अंदर मैं ओर डाल रहे हैं ऐसे बोलूंगा, मतलब एस्क डाल रहे हैं ऐसे बोलूंगा, तो वो एस्क कौन से फॉर्म में होगा, पाउडर के फॉर्म में होगा बेटा, क्या होगा, पाउडर, ठीक है, पाउडर, पाउडर के फॉर्म पे होने वाला है, ठीक है। अब पाउडर के फॉर्म पे जब मैं डालूंगा तो यहां से हाई प्रेशर में बेटा, जैसे अपन लोग गाड़ी धोते हैं ना, उसी प्रेशर की मैं बात करूं, ठीक है, हाई प्रेशर में क्या होगा, पानी का फ्लो होगा, वाटर का फ्लो होने वाला है यहां से, ठीक है, वाटर का फ्लो देख लो भाई, लिख देता हूं, चलो मैं, ठीक है, यहां पे H2O का फ्लो होगा, वो भी क्या, हाई प्रेशर में, हाई प्रेशर में, ठीक है, हाई प्रेशर में होने वाला है। अब जब हाई प्रेशर में पानी का फ्लो होगा तो उसके ऊपर मैं डाल रहा क्या रहा हूं, ओर डाल रहा हूं, एस्क को डाल रहा हूं। अब एस्क के अंदर मेरे को एक फंडे बताओ आप लोग, एस्क के अंदर बेटा ये मान लो कि ये मेरा जो एस्क है, इस एस्क में क्या होने वाला है, ऐसे इस तरीके से इंप्यूरिटी होने वाले हैं, क्या होते बच्चे, इंप्यूरिटी लगी रहती है, इस तरीके से इंप्यूरिटी लगी रहती है। अब इस इंप्यूरिटी में क्या करना है बेटा, इस एस्क को मेरे को एकदम प्योर फॉर्म में मिलना चाहिए, तो इस गंदगी को मेरे को हटाना पड़ेगा, इस गंदगी को मेरे को हटाना पड़ेगा, ये रेड वाला जो दिख रहा है बेटा, इस गंदगी को मेरे को हटाना पड़ेगा, और इससे मेरे को क्या मिलेगा, एक प्योर जो है मेटल मिलेगा इस तरीके से। तो ये मेरा क्या होगा बच्चा, ये मेरा मेटल हो जाएगा, जिसको अपन और बोल रहे थे, ये जो मेरा जो है मेटल हो जाएगा। और यहां से बच्चे इसको मैं बोलूंगा गैंग, एक वर्ड यहां पे याद रखना बच्चा, गैंग, ठीक है, गैंग मतलब होता है अशुद्धि, ठीक है, अपन मेटलर्जी में गैंग या गंगूबाई जैसा समझना समझो, ठीक है, लेकिन याद रखना अशुद्धि बोलेंगे। और ये हमारा क्या है बच्चा, ये ओर है, ठीक है, तो ओर में क्या होता है, गंदगी भी रहती है और शुद्ध मेटल भी रहता है, ठीक है, समझ में आया सारे बच्चों को। अब मैं वहां से ओर डाल रहा हूं, अब ओर डाल रहा हूं तो इसके अंदर इंप्यूरिटी भी है और शुद्ध धातु भी है। अब धातु को अलग करना है और गंदगी को अलग करनी है, तो मैं क्या कर रहा हूं, पानी का फ्लो करा रहा हूं। जब पानी का फ्लो कराऊंगा, पानी जब डालूंगा, तो पानी डालने के बाद जो गंदगी रहेगी, जो गंदगी रहेगी उसका जो भार है मेरे बच्चों, गंदगी का जो भार है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मैं यहां पर लिख देता हूं, जो हमारा जो गंगू भाई है, हमारा जो गंगू भाई है उसका वेट, ठीक है, डब्ल्यू मतलब वेट, समझ जाना, डब्ल्यू मतलब वेट, ठीक है, वेट क्या होगा बच्चा, कम होगा। और हमारा जो मेटल होगा, हमारा जो धातु होने वाला है और उसका जो वेट है प्यारे बच्चों, क्या होगा, गंगूबाई से ज्यादा होने वाला है, मतलब वो क्या हो जाएगा, नीचे बैठेगा। अब आपको सिंपल सा दिमाग लगाना है भाई, आपको सिंपल दिमाग लगाना है, यहां से जब मैं ओर का डालूं, ओर डालूंगा तो हमारा जो मेटल होगा वो यहां पे इस तरीके से बैठ जाएगा, क्या हो गया प्यारे बच्चों, नीचे बैठ जाएगा, नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है। और जो गंगूबाई है, जो हमारा गैंग है, जो हमारी अशुद्धियां है, जो गंदगी है, वो क्या होंगे बच्चे, इसे फ्लो होते होते क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, जिस तरीके से हमको क्या मिलेगा, यहां पर जो गंदगी जो है अलग हो जाएगी, यहां इस कंटेनर डब्बे में जो भी हमको यहां पे भर देना है, ठीक है, यहां पे क्या होगा, गंदगी अलग हो जाएगी और हमारा जो शुद्ध धातु है बच्चा, ये जो है नीचे जो है यहां पे बैठा रहेगा, यहां पे हमको जो है जो रेड कलर में दिख रहा है, ये जो रेड कलर में दिख रहा है, यहां पे जो हमारा प्योर मेटल जो है इस तरीके से बैठा रहेगा। ये तो पहली मेथड है, एक ही बार में थोड़ी ना साफ होगा, कुछ परसेंट यहां पे साफ हो गए, कुछ परसेंट और बाकी है, ठीक है। तो ये पहला प्रोसेस है हाइड्रोलिक सेपरेशन, इसके अंदर जो है हम लोग क्या सीखे कि भाई जो हमारा गैंग होता है उसका वेट जो है धातु की तुलना में क्या होता है, कम होता है, इसलिए वो जो है पानी की जो है बहाव के साथ बह जाता है, और जो धातु उसका वेट जो है ज्यादा होता है, भार ज्यादा होता है, इसके कारण वो क्या होता है बेटा, नीचे सेटल डाउन हो जाता है। समझ में आया, एकदम ईजी है ना भाई, मजा आया ना, एकदम ईजी है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। देखो इसको लिखते कैसे हैं, अब लिखते कैसे सर, इसको पहले बता दो, ध्यान से सुनना बच्चा, ठीक है, क्योंकि ये आपको 3 नंबर दिलाने वाला, यही तो भैया, यही तो हमारा हीरो है, ठीक है, यही तो हमारा हीरो है, हीरो तो बहुत सारे अपने यहां, ठीक है, लेकिन ये हमारा जो हीरो है, ये क्या बोलेगा, ये वाला हीरो क्या बोलेगा भाई, इसको लिखते कैसे, इस विधि में क्या होगा, शुद्ध अयस्क,
शुद्ध एस्क एवं गैंग के कणों को अपेक्षित घनत्व के अंतर पर आधारित होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है, पहले ही बता दिया था ये सारी चीजें, ठीक है, क्या आधारित है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि बोलेंगे। और इस विधि में प्यारे बच्चों क्या होता है, जो पिसे हुए एस्क, जो कि मैंने बताया अभी ओर है ना, जो पिसे हुए ओर होते हैं उसके बारे में बताया, तो क्या होगा, एस्क को जल में बहती हुई धारा में क्या होते हैं, गिराते हैं, नीचे करते हैं बेटा, धोते हैं, ठीक है, गिराते हैं बोले या फिर धोते हैं, तो हल्की जो आधात्री जल होते हैं, आधात्री मतलब जो गंदगी, ठीक है, हल्की जो होती है, आधात्री मतलब गंदगी जो होती है, जल के साथ क्या होती है प्यारे बच्चों, बह जाती है, क्या होती है, बह जाती है, भाग जाती है, निकल जाती है, ठीक है, और जो एस्क होते हैं वो भारी कण होने के कारण क्या होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। समझ में आया, समझ में आया, यही जो मैंने बताया, एक्सप्लेनेशन दिया, इसको आप लोग जो है बहुत अच्छे तरीके से कॉपी के अंदर लिख लिया, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है, सर स्क्रीनशॉट चाहिए तो लिख लो भाई, कर लो स्क्रीनशॉट, समझ में आया, ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट हो गया होगा, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, देखो आगे बढ़ते हैं, अब इसके अंदर जो है भैया हम लोग बहुत अच्छे से सीखे, अब जो हमारा दूसरा सुपर हीरो है, दूसरा हीरो है, वो इस हीरो के बारे में जान लेते हैं, उस हीरो का नाम क्या है भैया, उस हीरो का नाम है मैग्नेटिक सेपरेशन, क्या बच्चा, मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक, मैग्नेटिक बोलने से सारे बच्चों को क्लियर हुआ कि हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, तो भैया मैग्नेटिक सेपरेशन के बारे में मैं यहां पे बात कर रहा हूं, मतलब हमको जो है चुंबक से धातु को अलग करना है। अब एक बात मेरे को सारे बच्चे बता दो भाई, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं अपन साइंस को, ठीक है, तो उसके अंदर मेरे को एक बात बता दो, जो हमारा धातु होता है वो लोहे के साथ, सॉरी चुंबक के साथ चिपकेगा कि नहीं चिपकेगा, ठीक है, चिपकेगा कि नहीं चिपकेगा, सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में बता दो भैया, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताने लायक क्वेश्चन नहीं है ये, लेकिन फिर भी बोल दो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में जवाब दिया करो, मजा आता है, ठीक है। देखो जो धातु होता है वो क्या होता है बेटा, चुंबक के साथ चिपक जाएगा, मैग्नेट के साथ बॉन्ड बना लेगा, चिपकेगा, इश्क करेगा, मोहब्बत करेगा, जो भी जैसा समझना है समझ लो, बस समझ में आना चाहिए अपन को, ठीक है। देखो हम यहां क्या बात करते हैं कि हमारा जो धातु होता है वो चुंबक के साथ चिपक जाएगा। अब एक बात बता दूं, अगर मैं अधातु को भी, सॉरी अधातु नहीं, जो अशुद्धियां है उसको भी क्या मैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाला रख सकता हूं, मतलब उसको भी हम धातुविक गुण वाले जो है मैटर रख सकते हैं क्या, नहीं, क्यों नहीं, ठीक है, क्यों नहीं, इसके पीछे रीजन है प्यारे बच्चों, अगर हम यहां पे मैग्नेट ले रहे हैं तो मैग्नेट को क्या करेंगे, जो धातु के साथ तो चिपक जाएगा, अगर मेरे को अशुद्धियों को भी धातुविक रूप में रहे तो वो भी चिपक जाएगा, तो हम उसको अलग अलग कैसे करेंगे, हम तो अलग ही नहीं कर पाएंगे ना भाई, अलग ही नहीं कर पाएंगे, तो समझ में आया, तो अलग नहीं कर पाएंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम होगी, तो हम ऐसे जो यहां पे सब्सटेंस को लेने वाले हैं, ऐसे एस्को को लेने वाले हैं जिनमें क्या होती है, एक क्या होता है बेटा, एक जो है धात्विक गुण रखता हो, मतलब उसमें चुंबकीय गुण एक में हो, ठीक है, और दूसरा जो हमारा अशुद्धियां होगी वो उसमें चुंबकीय गुण नहीं हो, चुंबकीय गुण नहीं हो, ऐसे हम क्या रखेंगे, ऐसे जो है सब्सटेंस को हम लोग इस मेथड से क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, अलग अलग करेंगे, सफाई करने वाले हैं, क्लियर है सारे बच्चों को। अगर यहां पे मैं बात करूं प्यारे बच्चे, तो आपको ये जो गोल गोल सा चक्का दिख रहा ना बेटा, ये आपको मैं फील कराने वाला हूं, ठीक है, ऐसे ही भैया कहानी नहीं बताएंगे, ठीक है, हम कहानी रिलेट कराएंगे। देखो यहां पे मैं M1 बोल दूं, इसको मैं क्या बोल दूं, M2 बोल दूं, मैग्नेट 1 और मैग्नेट 2, इस मैग्नेट 1 और मैग्नेट 2 को आप लोग अभी नहीं समझो ना बच्चे, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप लोग बहुत गजब तरीके से समझोगे, ठीक है। देखो एग्जांपल देता हूं, अगर आप लोगों ने, सारे बच्चों ने साइकिल तो चलाया होगा, ठीक है, साइकिल चलाया होगा, उस साइकिल में क्या बेटा, जो चैन होता है वो दो पहियों से ऐसे जुड़ा रहता है ना, एक साइड बड़ा वाला पहिया, एक साइड छोटा वाला पहिया, उसी पहियों को आप लोग इमेजिन करें, पहिया कहने का मतलब चक्के की बात नहीं कर रहा भाई, एक्सेल्स की बात कर रहा हूं, ठीक है, एक्सेल्स भाई चक्के में चैन कैसे चलेगा, एक्सेल में चैन लगा रहता है ना भाई, तो उसी की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, एक्सेल जो लगे रहते हैं ना, उसी एक्सेल्स को आप लोग क्या कर लो, इमेजिन करो, पहला बड़ा वाला एक्सेल जहां पे पैडल लगा रहता है, और जो लास्ट में बेटा छोटा वाला एक्सेल जहां पे हमारा चैन ऐसे घूमता रहता है, ठीक है, उसी चैन और जो है एक्सेल को इमेजिन करो। ये देखो बच्चे, ये मेरे जो है क्या है, जो छोटा वाला जो एक्सेल है ना बेटा, ये हमारा M1 है, जो बड़ा वाला जो एक्सेल आप लोग समझो ये मेरा M2 है, मतलब मैग्नेट 1 और मैग्नेट 2 यहां पे अपन बोल दिए, ठीक है, समझ में आया। अब यहां से मैं क्या डालूंगा, और डालूंगा, किसका और भैया, तेरी और, ठीक है, तो गाना है ना बच्चा एक तेरी और करके, ठीक है, तो वो याद रख लेना, ठीक है। अब यहां से मैं क्या डालूंगा, और डालूंगा, और में क्या होता है, गंदगी भी रहती है, मेटल भी रहता है, तो मैं वो और डाल रहा हूं, और कौन से फॉर्मेट में डाल रहा हूं बेटा, पाउडर फॉर्म पे डालूंगा मैं, किसके फॉर्मेट में, पाउडर के फॉर्म पे डालूंगा। अच्छा, मैं पाउडर के फॉर्म पे डालूंगा तो वो हमारा जो मेटल है वो चुंबकीय गुण रखेगा, ठीक है, चुंबकीय गुण रहेगा, जब चुंबकीय गुण रहेगा तो वो इस मेटल को क्या, इस नहीं करेगा, इस मेटल के साथ चिपकेगा नहीं, बिल्कुल चिपकने वाला है, डेफिनेटली चिपकनेगा भैया, कोई रोक ही नहीं सकता, कोई है क्या भाई रोक दे इधर, क्या कोई नहीं है ना रोकने के लिए, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, मेटल के साथ वो धातु जो जाएगी चिपक जाएगी, क्लियर है, चिपकेगी। अब भाई समझो, ध्यान से सुनते रहना बस, ठीक है, अभी ध्यान से सुनना। अब हमारे पास एक धातु है, ये धातु है, अब ये धातु इस मेटल, सॉरी चुंबक के साथ क्या हो गया, चिपक गया, ठीक है, लेकिन जो गंदगी है वो तो नहीं चिपकी,
वो क्या चिपकेगी? नहीं चिपकेगी। तो वो क्या हो जाएगी बच्चा, जब ये चैन चलेगा, ये चल रहा है चैन मानो, ठीक है, तो ये क्या होगा, आगे बढ़ जाएगी। ये जो रेड कलर का लिख रहा हूं बेटा, ये हमारी गंदगी है। क्या है बच्चा? गंदगी है, ठीक है। इसको अपन क्या लेते हैं, जो अपन जो है रेड कलर का जो है ना, इसको क्या लेते हैं, रेड कलर का, रेड कलर का अपन धातु ले लेते हैं, रेड कलर का धातु ले लेते हैं बच्चे। और जो येलो कलर है, येलो कलर का अपन ले लेते हैं गंदगी, ठीक है। इससे ज्यादा समझ आ जाएगा, देखो ध्यान से। जो रेड कलर है बेटा, ये हमारा धातु है जो जो इस मैग्नेट के साथ चिपक गया, ठीक है। जो हमारा जो अशुद्धि है वो बेटा येलो कलर का। अब ये चेंज कर रहा है तो ये येलो कलर जो आगे बढ़ेगा। अब बच्चा मेरे को एक बात बताओ कि ये जो मैग्नेट है, क्या सभी के सभी मेटल को जो हमारा ओर है उसको क्या उधर चिपका देगा? नहीं, इतनी शक्ति नहीं है उसके पास। क्या होगा जब ये इसी जगह पे आएगा तभी चिपक पाएगा। ये आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, नहीं चिपक पाएगा। तो आगे बढ़ेगा तो हमारा मेटल, हमारे धातु के साथ साथ गंदगी भी आगे बढ़ेगी। मतलब मैं बोलूं बेटा, ठीक है, हमारे पास गंदगी भी है, धातु भी है, गंदगी भी है, धातु भी है, गंदगी भी है, धातु भी है, ऐसे करते करते जाएगा, ठीक है। ठीक है, ऐसे करते करते क्या हो गया, ये आगे बढ़ गया, समझ में आया। ऐसे ये आगे बढ़ा। अब जब ये आगे बढ़ा तो इस साइड पे जब आने के बाद, इसके बाद दूसरा जो है M2 रखा हुआ है, मैग्नेट रखा हुआ है। इस मैग्नेट में क्या होगा बच्चे, इस मैग्नेट में फिर से ये जो धातु है वो आके चिपक जाएगी। क्या होगी बच्चे, आके जो है चिपक जाएगी। जब आके चिपकेगी तो यहां पे आने के बाद बेटा ये जो मेटल है वो चिपक जाएगी, लेकिन जो गंदगी है वो तो नहीं चिपकने वाली। बोलेगा भाई मैं तो नहीं चिपकूंगा, कुछ भी कर लो। क्या बोलेगा, मैं तो नहीं चिपकूंगा, मेरे को शौक ही नहीं चिपकने का, ठीक है। वो बोलेगा मेरे को शौक ही नहीं चिपकने का, तो मैं बोलेगा नहीं चिपकेगा, ठीक है। तो वो क्या होगा बच्चा, जो गंदगी रहेगी, जो येलो कलर का मैं लिख रहा हूं, तो वो येलो कलर का बच्चा इस तरीके से क्या होगा, आगे बढ़ जाएगा और ये येलो कलर के हाथ में हम कलेक्ट कर लेंगे। और यही कलेक्ट जो मैं कर रहा हूं बेटा, ये हमारा क्या होगा, यही इंप्यूरिटी होगी, ठीक है। यही हमारी क्या होगी, इंप्यूरिटी होगी, ठीक है। गंदगी हमारी जो है यही होने वाली, जिसको हम लोग गंगूबाई गैंग जो भी बोलना है बोल सकते हैं, अशुद्धि, ठीक है, हिंदी में अशुद्धि बोल देंगे ना, समझ जाएंगे सारे, ठीक है, क्लियर है सारे बच्चों को। अब देखो हमारा जो मेटल है बेटा, ठीक है, हमारा जो मेटल है वो क्या होगा, इस रोलर के साथ ऐसा चिपका रहेगा। अब ये चिपके चिपके क्या होगा, ऐसे आगे बढ़ेगा। अब ये अलग थोड़ी है, क्योंकि मैग्नेट तो यहां से स्टार्ट होकर पूरा यहां तक है ना भाई, क्योंकि यहां तक स्टार्ट है। अब यहां से जब दूर जाते जाएंगे तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम होता जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र कम होगा, क्लियर है सारे बच्चों को। तो हमारा जो धातु है वो इस तरीके से मेटल के साथ चिपका हुआ है, और जब बेटे यहां से मैग्नेटिक फील्ड जो है कम होती जाएगी तो ये जो है वापस जो है इस तरीके से गिरना स्टार्ट हो जाएगा, और इसको हम जो है एक डब्बे एक कंटेनर में क्या कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। जिस प्रकार से हमको जो है धातु जो है वो अलग हो जाएगा, और हमारा जो अधातु है बेटा, ठीक है, अधातु है वो क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से हम करेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, ठीक है, कंसेंट्रेशन ऑफ ओर का ये सेकंड मेथड, मैग्नेटिक सेपरेशन। इस प्रकार से बच्चे सारे बच्चों को बहुत ही गजब तरीके से क्लियर हुआ होगा। आप लोग याद रखना बेटा, ये जो रोलर है इसको M1 रोलर बोल दिया मैंने, इसको M2 रोलर बोल दिया, आपको जो है एग्जाम्स में लिखने पड़ेंगे इसी तरीके से, समझ में आया। अब लिखने के तरीके के ऊपर आते हैं, कैसे लिखना है उसके ऊपर बात करूंगा। ध्यान से देखो बच्चे, इसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक सेपरेशन विधि। इसमें क्या होता है, इस विधि में उपयोग क्या होता है बेटा, इस विधि का उपयोग जो है एस्क या फिर अशुद्धियों या अशुद्धियों में से एक का क्या होना चाहिए, स्वभाव जो है चुंबकीय होना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है, चुंबकीय गुण रखना चाहिए कोई एक, ठीक है। उदाहरण के लिए यहां पे बात किया हुआ है कि भाई हमारे पास जो क्रोमाइट है, हमारे पास जो क्रोमाइट है जिसमें FeCrO2 जो है, ठीक है, ये हमारा क्या नॉन मेटल है और Fe हमारा मेटल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्रोमियम के जो अयस्क का है, जो चुंबकीय प्रकृति का होता है, एवं जो क्या होता है बेटा अचुंबकीय क्या होते हैं, गैंग होते हैं, उसको हम बोलते हैं अशुद्धियां बोलते हैं। उस गैंग को अपन क्या बोलते हैं बेटा, अशुद्धि बोलते हैं। इसको बार बार मैंने बताया हो भाई, कोई रट्टा मारने थोड़ी है इसको, ठीक है। इस बात की क्या होता है, टिन स्टोन का क्या होता है, अचुंबकीय प्रकृति का होता है, और जबकि अशुद्धि चुंबकीय क्या होता है बेटा, अशुद्धि चुंबकीय प्रकृति की होती है, सॉरी अचुंबकीय प्रकृति की होती है, ठीक है, अचुंबकीय प्रकृति की होती है। इन दोनों प्रकरणों में चुंबकीय पृथक्करण का उपयोग करते हैं। अरे इतना लिखने की नीड नहीं है भाई, इतना लिखने की नीड नहीं है, समझ रहे हो, बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा ना, तो इसको लिखने की नीड नहीं है। जो मैंने यहाँ पे प्रोसेस बताया बेटा, देखो ध्यान से, यहाँ पे जो मैंने प्रोसेस कराया, इस प्रोसेस को एज इट इज एग्जाम्स के अंदर लिख के आना, जैसे समझो बेटा वैसे ही लिख के आना, जैसे समझाया हूं वैसे ही लिख के आना, कोई नंबर नहीं काटेगा, कोई नंबर नहीं काटेगा, ठीक है। बस डायग्राम बना के आना ना भाई, पता चले लिख दिया लेकिन डायग्राम नहीं बना, डायग्राम सब में बना के आना, ठीक है, समझ में आया। तो इस प्रकार से हम पूरा का पूरा जो बेटा चुंबकीय पृथक्करण विधि के बारे में बात करेंगे। अगर किसी बच्चों को लिखना हो तो आप लोग बेटा ये स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, फटाफट चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। इस प्रकार से बच्चे हम लोग दो कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब बच्चे हमको जो यहां पे थोड़ा सा विराम लेने की जरूरत है, थोड़ा सा रुकने की जरूरत है, क्योंकि जिस मेथड के बारे में बात करूंगा, फ्रोथ फोटेशन मेथड, ठीक है बच्चा, फ्रोथ फोटेशन मेथड, इस मेथड के बारे में बात करूंगा, इसको समझने में आपको जो है बहुत टाइम लगेगा। बहुत टाइम कहने का मतलब आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, जब इसको टाइम देगा, क्योंकि ये हमारे लिए सुपर हीरो है भाई, ये जो है हमारे लिए सुपर हीरो, तो इसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इसको बच्चे हम जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है, अच्छे से समझे कि कैसे चीजें होती है। फिलहाल बच्चे ये वीडियो लेक्चर जो हम यहीं पे खत्म करते हैं, आने वाले लेक्चर के अंदर बहुत ही गजब के टॉपिक में आपको कराऊंगा, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल धन्यवाद।